हमारे वीडियो साहब नवीद साहब एक नए मिशन जो स्वच्छ भारत के थ्रू जो क्लीनेस्ट ड्राइव है वो स्टार्ट में आज गाजियाबाद में की। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि एज ए मुस्लिम भी हमारे का जो निस्ब ईमान है वो सफाई है। मेरे ख्याल में वी ऑल शुड का जितने भी यहाँ गाजियाबाद के, मैं तो DDC चेयरमैन, मैं पूरे कुपवाड़ा को फील करता हूँ, लेकिन खासकर मैं DDC चेयर DDC यहाँ गाजियाबाद से हूँ। मैं यहाँ पूरे दुकानदारों को, जो भी रहने वाले ये गाजियाबाद के, उनको फील कर रहा हूँ कि वो सफाई पे एक गौर, क्योंकि जितने भी आप आगे जितने भी हमारे ड्रेनेज है वो पॉलीथीन से चौक हो रहे हैं। जो भी हमारे ज़मीन में जब ये चला जाता है तो हज़ारों साल इसको गलने के लिए लगता है। तो मेरे ख्याल में जो ये यहाँ ड्राइव ने स्टार्ट किया क्लीनेस्ट ड्राइव स्वच्छ भारत के, तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और एज ए शहरी यहाँ के रहने वाले हमें हर हमेशा इकट्ठे आने चाहिए और इस मिशन को सपोर्ट करना चाहिए। सर कहते हैं पैसा हमारे पास है, आप हमारे को ज़मीन दीजिए, हम बाथरूम देंगे। हम बार बार कहते हैं अगर आपको यहाँ कहीं स्टेट लैंड अवेलेबल है हमारे को आइडेंटिफाई कीजिए, हम करें, क्योंकि इनके पास मैजिस्ट्रियल पावर भी है, ये फिर कर देंगे हम। अगर कोई मिल्कियत डोनेट करना चाहे उसके लिए भी हम बार बार कहते हैं। आप देखिए, हम अगर आपको स्टेट लैंड आपको यहाँ है कहीं लगता है वहाँ बनाएंगे। अगर मिल्कियत कोई देने के लिए कि मेरे ख्याल में इसमें स्वाब भी है, कोई भी हम वहाँ भी नहीं करते। इसलिए वो PRI में ट्रांसफार्मर हमने एक दे दिया PRI थ्रू पानी के लिए यहाँ गनापुरा को। वो ख़राब हुआ था लास्ट टाइम, मैंने उसे वो हमने ठीक करके लाया। अब थोड़ा पावर डिपार्टमेंट को हम कहते हैं, वो कहते हैं क्योंकि जब PRI के थ्रू होता है इसमें कनेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं होता है, लेकिन मेरे ख्याल में पावर डिपार्टमेंट को ये समझना चाहिए आवाम के लिए ये पानी है, उन्हें जल्द बज जल्द इसे कनेक्शन देना चाहिए। मैंने इवन एग्जिट के साथ भी बात किया, वो दिल्ली में एक मीटिंग में, इंशाल्लाह एक दो दिन में फिलफोर उसका कुछ हो। जो ये जो ग्लोबिंग वार्मिंग है, जो ये धूप पहले ही जितना भी हमारा बर्फ था वो मेल्ट हो गया, और जो क्या बहुत दिनों से बारिश भी नहीं होगी, ये भी एक रीज़न है। हम अल्लाह से, क्योंकि ये हमारे तक नहीं है, कुछ अल्लाह के तक है, लेकिन कोशिश हमारे को जितना भी पानी हो सके हम कम इस्तेमाल करें, खास पीने का हमारे को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मौसम अपनी रहमत बरसाएगा तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये सब ठीक हो जाएगा।